और इस बीच उचानकला से उम्मीदवार है दुष्यंत चौटाला, क्या कह रहे हैं आज वोटिंग वाले दिन, जरा ये भी सुना देते हैं आपको। हरियाणा में आज है मतदान का दिन और हर एक उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुष्यंत चौटाला, पिछली बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आए थे। दुष्यंत, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और जिस तरह की तिकोनीय फाइट कई सीटों पर है, मुझे लगता है कि जो कहावत चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, रीजनल पार्टी और ओरिजिनल पार्टी, हरियाणा की जनता उसको चुनेगी भी और उसको आगे लेकर भी पड़ेगी। आपकी उचाना सीट पे ही बात करूं तो जाट बहुल सीट है और कहा यह जा रहा है कि इस बार जाट आपसे खासतौर पर नाराज है, आपकी पार्टी से नाराज है, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था आपका जो स्टैंड रहा था उसको लेकर के। चलिए, मेरे अपने हैं और मैंने यहीं रहना है और इसी दृढ़ संकल्प के साथ इनके बीच में हूँ और नाराज प्राय से तो नहीं होता। आप क्या सोचते हो, तमिलनाडु के लोग आकर मेरे से नाराज हुए? अपने थे, अपनों ने नाराजगी जाहिर करी, मैंने मनाया भी है और मुझे विश्वास है कि मेरे अपने ही उतनी ताकत के साथ जिताएंगे भी। सीट की बात की जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी जो है उनका परिवार और आपके परिवार में मुकाबला जो है चलता रहा है। पिछले चुनावों में आपने उनकी पत्नी को हराया था, इस बार उनके बेटे चुनाव मैदान में, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कितना मुश्किल? हार जीत तो शायद 3 दशक पुरानी है और ये चीज़ तो आगे भी चलती रहेगी। चुनाव का कोई अंतिम चुनाव तो ना उनके फैमिली का है ना हमारा है, पर मैं मानता हूँ कि उचाणा की जनता ने देखा है 40 साल वो लोग यहाँ रहे हैं, जो 40 साल में उनने नहीं किया हमने 4 साल के अंदर वो कर दिखाया। आज 1200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंटल वर्क्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए हैं और एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर इसको विकसित किया है, तो ये उचाणा के भविष्य के लिए बहुत सुनहरा पल रहा है और आने वाले भविष्य में भी इसको इसी तरह विकसित करते रहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि 2019 में जिस तरह से किंग मेकर बनाने की भूमिका में आप थे, इस बार भी कुछ वैसी ही भूमिका बिल्कुल रहेगा? और जहाँ थ्री कॉर्नर फाइट है, ये तो देखो लास्ट मोमेंट में एज किसको मिलती है ये वोटर्स तय करेंगे, पर मेरा मानना है हरियाणा की विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ वैसी बनेंगी। कैसी, मतलब क्या? थ्री कॉर्नर फाइट है और थ्री कॉर्नर के अंदर पिछली बार हमें 10 सीटें मिली थी, 6-7 इंडिपेंडेंट जीते थे और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हमने निर्णय लिया और मैं ये मानता हूँ इस बार उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आज गठबंधन के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी का है और चंद्रशेखर का साथ मिलना 1 और 1 11 की ताकत है और कहीं ना कहीं वो ताकत ही हमें आगे लेकर चलेगी। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का बड़ा भारी है, बीजेपी कह रही है कि नहीं अंदर में हमारी हवा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है आप कांग्रेस से बीजेपी? आज के दिन कोई 5 ऐसी सीटें भी नहीं है जहाँ 1-साइडेड विक्ट्री हो, और जब 1-साइडेड विक्ट्री नहीं होती और लो मार्जिन्स पे विक्ट्री होती तो आप नहीं तय कर सकते कौन जीतेगा। तो ये आप दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे, इस बार भी वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला ही उभरने वाले हैं।